बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में डेटा तब्दील हो जाता है। टाइप कास्टिंग इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। हमने बेसिक तीन किस्म के डेटा टाइप पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। ठीक है, तो जब इंटीजर डेटा फ्लोट में तब्दील हो जाए या फ्लोट वाला डेटा तब्दील हो जाए इंटीजर में, तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। वो टाइप कास्टिंग जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, सी का कंपाइलर, हमें पता भी नहीं होता और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंपाइलर करता है, उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इंटीजर डेटा टाइप है ए इज़ इक्वल टू 10.35। ए में इंटीजर डेटा स्टोर होता है, जबकि ये हमने उसको असाइन किया है फ्लोट डेटा टाइप, तो कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, मतलब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट और बैक स्लैश डी ए, ठीक है, तो अब इसका आंसर हमें आएगा 10। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो हिंसे हैं, वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? इसलिए कि ये आपके पास इंटीजर डेटा टाइप है, ये इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप ही स्टोर होता है, तो हमने तो उसको असाइन किया था डेसिमल पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप हमने असाइन किया था, लेकिन कंपाइलर उसको प्रोसेस करके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर लेगा। इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर ली, हमने का टाइप कास्टिंग नहीं की। सपोज एक्स इज़ एन इंटीजर एंड वाई इज़ लॉन्ग वेरिएबल, लॉन्ग इंटीजर, ये इंटीजर है और ये लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है, जिसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएटेड एज एक्स प्लस वाई। एक्स इंटीजर है लेकिन वाई लॉन्ग इंटीजर है। इन द अबव एक्सप्रेशन द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज़ लोअर देन डेटा टाइप ऑफ वाई। ये जो है इसका डेटा टाइप इससे लोअर है, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड इन टू लॉन्ग। एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कंपाइलर करेगा। कंपाइलर कैसे? कंपाइलर इसको तब्दील करेगा लॉन्ग में ताकि ये एडिशन हो सके। इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब कि जो यूज़र, वो टाइप कास्टिंग, वो कन्वर्शन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप व्हिच इज़ परफॉर्म बाय द यूज़र, बाय द प्रोग्रामर, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, सपोज एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल एंड एक्स कंटेन 10.3 एंड वाई कंटेंट्स 5.2 एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। द अबव एक्सप्रेशन विल बी जनरेट will generate an error because data type of x and y is float. x और y की वैल्यू जो है क्या है? फ्लोट है। द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट विद फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो सिर्फ इंटीजर के लिए, याद रखिए मॉडुलस ऑपरेटर है जो x को y पे डिवाइड करके रिमाइंडर, ठीक है, जो बाकी है वो जनरेट करता है, बाकी रिमाइंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 मॉडुलस 3 से क्या आएगा? 1 आएगा, 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एरर इसलिए जनरेट करेगा कि ये दोनों फ्लोट हैं जबकि मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पे काम करते हैं। द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क फ्लोट वेरिएबल, इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर, सो द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर ऑफ वाई एंड इंटीजर ऑफ एक्स। अब ये आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, क्यों? इसलिए कि हमने बाहर डेटा टाइप लिख दिया कि एक्स की जो वैल्यू है वो तब्दील हो जाए इंटीजर में और इसी तरह वाई की वैल्यू तब्दील हो जाए इंटीजर में। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। द अबव स्टेटमेंट कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड टू इंटीजर्स एंड इवेलुएट द एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद एक्स, और अब ये 10 है आपके पास, इसका आंसर फिर 10 आ जाएगा, 10 मॉडुलस आपके पास 5, तो आंसर क्या आएगा?
टू आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए कि ये कंप्लीट डिवाइड हुआ. द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल बी कन्वर्टेड टू 5. सो द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी जीरो, इसलिए कि 10 को जब आप 5 पे डिवाइड कर ले तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और ज़ीरो जनरेट होता है.